अस्सलामुअलैकुम शैतान राजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी बात स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि आप फेसबुक से कैसे अर्न कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसलिए गाइड करूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न ना रहे, आप सारा काम यानी कि आसानी के साथ कर सके, आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न दिमाग में ना रहे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जी एक अदद फेसबुक आईडी चाहिए होगी। फेसबुक आईडी तो हर यानी कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही चला रहा होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर बंदे की बनी होती है। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी भी फेसबुक आईडी बनी होगी, तो ये बात कन्फर्म है, ठीक हो गया। तो आपकी फेसबुक आईडी के साथ साथ आपको एक अदद फेसबुक पेज चाहिए होगा। फेसबुक पेज भी बिल्कुल फ्री में बन जाता है, 2-3 मिनट के अंदर बन जाता है आसानी के साथ, कोई उसका भी इशू नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यार आपका ना एक यानी कि अगर मोबाइल वाले के साथ किसी के साथ कनेक्ट है, आपको कोई आपका दोस्त है कुछ भी है या मोहल्लेदार है, जो भी जो मोबाइलों का काम करता होगा या मोबाइल सेल करता होगा, तो उसके पास उसको पता चल मोबाइल वालों को पहले पता चल जाता है कि कौन सा मोबाइल आने वाला है। वैसे भी आप गूगल करके देख सकते हैं, मोबाइलों वालों से भी आपको पहले पता चलेगा कौन सा मोबाइल आने वाला है, कौन सी चीज़ न्यू लॉन्च होने वाली है। तो ठीक हो गया। एक बात ये होगी, आपका उससे कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि आप उससे इस तरह जुड़े होने चाहिए। जुड़े कैसे, किस लिए होने चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसका कोई भी यानी कि मोबाइल लॉन्च हो जाता है तो आप उसका चीज़ें बेचकर आप वो चीज़ें बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। वो पैसे कैसे कमा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसका यानी कि मिसाल के तौर पर उसके पास मोबाइल आ गया, दुकानदार के पास न्यू मोबाइल आ गया, सारी बात है उसका पाउच वगैरह, उसका हैंड फ्री वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो आप सबसे पहले अगर तो आप खैर मोबाइल तो लोग उधर से सेल कर लेंगे जाके, आप पाउच वगैरह आसानी के साथ सेल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यानी कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने उसके पाउच वगैरह की, हैंड फ्री की, जो जो भी उसके साथ न्यू कोई चीज़ आ जाती है तो वो यानी कि आपको ना उधर से लानी होगी, सही हो गया। उधर से ला के उसकी तस्वीरें वगैरह खींच के अपन को अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देनी होगी। जिस तरह फेसबुक पेज पे अपलोड करेंगे तो आप उसका अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें लेने के लिए रब्ता करें। तो फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है ना, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि यार हमने पोस्टर तो कौन ही हमसे लेगा, वो उसका भी मैं हाल आपको बताने लगा हूँ। तो उसके लिए आपको यार आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तो वो जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं आप, उसमें ना आपको जब आप फेसबुक पेज अपलोड यानी कि फेसबुक पेज पे कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं ना, कोई भी पोस्ट के साथ आप लिंक अपलोड शेयर करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, तो उस पे ना पोस्ट के नीचे ऑप्शन आ रहा था बूस्ट नाउ। आप जिस तरह बूस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यानी कि बूस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे वो डिटेल मांगेगा जो मैंने अभी आपको बताई है क्रेडिट कार्ड की। तो वो अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो वो फिर आप यानी कि उस पे काम अच्छे से कर सकेंगे। फिर फेसबुक वाला क्या करता है, जब आप 500 या 1,000 रुपया लगा लेते हैं ना, जब आप 1,000 रुपये लगा लेते हैं तो तकरीबन है ना 1,000 रुपये में 4-5 हज़ार बंदों को फेसबुक आपकी यानी कि वो चीज़ दिखा देता है। तो अगर 1,000 रुपया लगा के आप अगर 4-5 हज़ार बंदा या 7 हज़ार बंदा आपकी वो पोस्ट देख लेता है, उन पोस्ट में से अगर 500 बंदा भी बाय कर लेता है या 400 भी बंदा, 200, 300 बंदा भी बाय कर सकता है कर ले, तो आपका तो यार माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। तो आप 1,000 रुपया आपका लगेगा, तो आप अपने बूस्ट कर लें अपनी पोस्ट को, तो इस तरह आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकेंगे। तो इसके अलावा एक और मैटर बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी कोई शॉपिंग यानी कि अगर आपकी पैंट शर्ट की दुकान है या कुछ भी है, आप अपने अगर आपका कोई, फिर मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आपका अपना कोई दोस्त है तो आप उसकी भी यानी कि पैंट शर्ट सेल करवा के आप उससे कमीशन भी ले सकते हैं इसी तरह। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाता है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जाहिर बात अपनी रोजी कमानी है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, सही हो गया। तो वो भी आप इसी तरह उसकी पैंट शर्ट की तस्वीरें लें, पैंट शर्ट की तस्वीरें लेकर उसके बाद आप कर देंगे अपलोड फेसबुक पेज पे, फिर बाद में पोस्ट नाव पे पोस्ट मारे उसको, तो आपकी पोस्ट जाएगी रैंकिंग में। तो जिस तरह रैंकिंग में जाएगी आपके कस्टमर आएंगे, कस्टमर आने से आपको फ़ायदा होगा। तो वैसे भी ईद आ रही है, ईद का दिन है माशाल्लाह, आज 19वां रोज़ा है, तो माशाल्लाह उसके अलावा
ईद भी करीब है, 10-11 दिन देखे कितने मार्शल आर्ट होते होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से ईद है। तो ये तो 10-12 दिन में अच्छी खासी कमाई कर सकेंगे। तो ये थे मेरे जहन में थोड़े से आइडिया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और यार अगर किसी चीज़ की समझ आई हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी ने मज़ीद बात करनी हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उधर से जाके फॉलो करके वैसे भी उधर मैसेज कर सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।